देखिए बेटा, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ वेज वी डब्ल्यू एंड दैट ऑफ द सेंटर ऑफ द सिलेंडर वी सी। तो आपका ये है बेटा, इधर वेज है ना, ऐसे इस तरीके से वेज है। तो आप, मैंने बोला आपको वेज पे चीजें जो उतरती हैं वो रट लीजिए ना बेटा। इतनी सिंपल सी बात बताइए आपको, वेज के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर टू द वेज रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो सकती। मतलब परपेंडिकुलर टू द वेज जो होगी, वेज पर उतरने वाली चीजों की और वेज की परपेंडिकुलर टू द वेज एक्सेलरेशन या वेलोसिटी सब सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको अप्लाई करिए। आपका सेंटर है, सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर की इधर वेलोसिटी थोड़ी नहीं आ सकती। देखो ये नॉर्मल जैसे कंपोनेंट इधर ही आ रहा है, तो ये दीवार तोड़ के इधर थोड़ी नहीं जा सकता। तो इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिलेंडर की कैसी है? वी सी है। और वेज पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे पड़ रही है, तो वेज वाला किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। ये आपके वी सी वी डब्ल्यू है। ठीक है, इतना सा छोटा क्वेश्चन आ जाता है मेंस में। नहीं, हम तो कंस्ट्रेंट पढ़ते ही नहीं है, तो वो ये बेवकूफी कर जाते हैं बच्चे उस केस में कि इतनी छोटी चीज भी नहीं करके। आप, ये आपका वी डब्ल्यू हो गया, ये वी सी हो गया, ये 90 90, ये एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया देखो, और ये वाला भी थीटा हो जाएगा। तो क्या करोगे? परपेंडिकुलर टू द वेज, परपेंडिकुलर टू द वेज वेलोसिटी कंपोनेंट्स, वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ वेज एंड ऑब्जेक्ट कमिंग डाउन या ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन वेज, ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन वेज, दोनों लिख दिया बेटा, भूले ना, मैंने लिख भी दिया एक बार और फिर से आपके लिए, कि परपेंडिकुलर टू द वेज वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ वेज एंड ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द वेज मस्ट बी इक्वल, मूविंग ऑन द वेज मस्ट बी इक्वल। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू द वेज, ये कंपोनेंट अलग नहीं हो सकते हैं, दे मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? वी डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी सी कॉस थीटा आ जाएगा। वी डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल टू वी सी कॉस थीटा। तो वी सी कितना आ गया आपका? वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ वेज वी डब्ल्यू टेन थीटा। ये आंसर हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ इसमें तो वो मुझे बताए जरूर, क्योंकि मैं चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे सब कर ना पाए तो एटलीस्ट माइंड अपना अप्लाई कर पाए उस क्वेश्चन पे। एटलीस्ट बेहतर अंडरस्टैंडिंग उनकी होनी चाहिए, जब उनको इतनी क्लियरली बताई जा चुकी है कि वेज पर चलती हुई चीजों की वेज के अलोंग ही वेलोसिटी होती है, मतलब वेज के परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी वेज की और उस पर चलती हुई चीज की हमेशा जीरो होगी। दूसरे शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में ये करना है आपको क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर टू द वेज वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ वेज एंड ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन ऑन द वेज मस्ट बी इक्वल। मूविंग डाउन मूविंग अप कैसा भी परपेंडिकुलर टू द वेज कंपोनेंट नहीं आ सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट वेज के रिस्पेक्ट में चलेगा तो वेज के अलोंग ही चलेगा। ये सारी बातें हैं इसमें।